वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम नया प्लांट बना रहे हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट से, स्टेम से या फिर लीव से। रूट के केस में धालिया, स्वीट पोटैटो जिसको शक्करकंदी बोलते हैं, हम बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हैं पूरा प्लांट। और स्टेम के केस में अगर हम डायरेक्टली स्टेम का यूज़ करते, लाइक हम जो पोटैटो खा रहे हैं वो स्टेम है, उस पर आई बर्ड आएगी, जिंजर। और अगर हम लीव की बात करें तो ब्रायोफाइलम, जो कि पत्थर जट्टा होता है, हमें यहाँ पर दिखा भी रखा है ब्रायोफाइलम की लीव। अब जो प्लांट प्रोड्यूस्ड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से, फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक फ़ायदा हमारा क्या हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन रेट जल्दी अचीव हो पाएगा। अगर हम सीड से प्लांट को ग्रो करेंगे तो बहुत लेट आ पाएगा, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि रोज़ है, जैस्मिन है, बनाना है, हम उनको भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बड़े आराम से बहुत लेवल पे ग्रो करवा सकते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आर्टिफिशियली हम कैसे कर रहे हैं, कटिंग से, लेयरिंग से और ग्राफ्टिंग से।